हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो गाड़ी लेने जाते हैं तो उनका हमेशा एक कंफ्यूजन जरूर रहता है कि वो कौन सी गाड़ी ले, मींस मैनुअल गाड़ी ले या फिर ऑटोमेटिक गाड़ी ले, क्योंकि अभी का टाइम में बहुत सारा ऐसे ऐसे मॉडल्स है जिसमें कंपनी मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक भी ऑफर कर रही है। तो बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन हमेशा से है और अभी भी रहता है कि कौन सी गाड़ी मेरे लिए बढ़िया होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बेसिकली 10 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ, दोनों को डिफरेंस करने वाला हूँ कि किन किन जगह में मैनुअल बढ़िया और किन किन जगह में ऑटोमेटिक बढ़िया है। तो बेसिकली आज 10 पॉइंट्स मैं दोनों को डिफरेंस करके बताने वाला हूँ कि 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो दोनों कहीं पे आपको ऑटोमेटिक बढ़िया है या फिर मैनुअल गाड़ी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इसे थोड़ा भी स्किप ना करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब गाड़ी जैसे ले रहे हैं अभी कंपनी के साथ साथ क्या है कि मैनुअल और साथ साथ ऑटोमेटिक दोनों को ऑफर की जा रही है। और ये हो गया इधर ऑटोमेटिक, यहां पे दो तरह का है, मैनुअल और ऑटोमेटिक। तो इसमें सबसे पहला जो है, इसके समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मैनुअल और ऑटोमेटिक है क्या। देखिए, जब भी कोई इंजन जब वो पावर जनरेट करता है तो उसको जो टायर जो हमारे मूव करते हैं उसके बीच में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं, बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए रहते हैं जो हमारे इंजन की जो रोटेशनल पावर है उसको व्हील तक पहुंचाते हैं, जिसके कारण हमारा जो पहिया होता है वो मूव करता है। जब वो पहिया मूव करेगा तो हमारी गाड़ी आगे और पीछे होगा। तो फ्रेंड्स, उसके बीच में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उसमें कुछ एक पार्टिकुलर नाम का होता है जिसको हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, इसका काम जो होता है कि जो हमारे इंजन का जो रोटेशनल पावर है, जो इंजन से रोटेशनल पावर जो इंजन से निकलता है, इसका पावर को, ये रोटेशनल पावर को कन्वर्ट करके ये आपका जो है व्हील तक ले जाता है, जिसके कारण हमारा जो गाड़ी है वो मूव करता है। तो फ्रेंड्स, जो इसके अंदर है बहुत सारे कंपोनेंट्स लगी हुई रहती है, ठीक है, उसी के एक अंदर होता है वो गियर बॉक्स के अरेंजमेंट होती है, गियर्स होती है बहुत सारे उसमें। इसका काम है कि स्पीड को वैरी करना है। जैसे आप इसके अंदर, जैसे सपोज एक नंबर गियर सुनेंगे, दो नंबर सुनेंगे, उसके अंदर बहुत सारे गियर्स के अरेंजमेंट होते हैं जो लोअर गियर से हमारे को पावर ज्यादा मिलता है। जब इनिशियल से हम गाड़ी को उठाते हैं तो एक नंबर देखेंगे और उसका स्पीड कम होता है बट पावर ज्यादा रहता है। देखिएगा, कहीं पे ज्यादा पावर की जरूरत होता है, हम लोग लो गियर करके एक नंबर लगा करके अच्छे अच्छे गियर पे चढ़ाओ, कहीं पे हिलीज में चढ़ाना हो, गाड़ी को कहीं पे चढ़ाना हो, तो देखिएगा लोड गाड़ी को एक नंबर लगा के चढ़ा देते हैं। यहाँ पे आपका गियर्स का अरेंजमेंट होता है वो लो गियर रहता है, उसके अरेंजमेंट के कारण वो इनिशियल को उठा कर रहता है। लेकिन जहां पे आप देखेंगे वहां पे स्पीड कम हो जाता है, फिर जैसे 4-5 नंबर चलाएंगे वहां पे स्पीड बढ़ जाता है, तो उसमें बहुत सारे गियर्स का अरेंजमेंट होता है। तो वहां पे देखिए, जो गियर्स का जो गियर बॉक्स होता है वहां पे होता है, कहीं पे आप देखेंगे मैनुअल होता है और यही पे कहीं पे ऑटोमेटिक भी होता है। इसी गियर का अरेंजमेंट को कई बार खुद से करना पड़ता तो वो हो गया हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन, और जहां ऑटोमेटिक खुद से होता वो हो गया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो ये ट्रांसमिशन का जो काम है बेसिकली जो इंजन के रोटेशनल पावर को व्हील तक पहुंचाना, उसके साथ उसके आसपास में जो कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं गियर्स के अरेंजमेंट, इसी में सारा काम होता है, कहीं पे मैनुअल होता है और कहीं पे ऑटोमेटिक होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किन किन जगह पे मैनुअल अच्छी है और कहां कहां पे ऑटोमेटिक। बेसिकली आज दोनों के डिफरेंस में बताने वाला हूं। जो सबसे पहला डिफरेंस है इजी टू ड्राइव। देखिए इजी टू ड्राइव, कौन सी गाड़ी इजी है ड्राइव करने से, मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी या फिर ऑटोमेटिक। हमारा एक्सपर्ट ड्राइवर है, अगर आप किसी से पूछेंगे जो बहुत हाईली एक्सपीरियंस ड्राइवर है, उनके लिए सबसे आसान होता है मैनुअल गाड़ी को चलाना, बहुत इजी टू ड्राइव है। आप इजीली अपने अकॉर्डिंग राइडिंग कंडीशन के हिसाब से, रोड कंडीशन के हिसाब से वो गियर्स को चेंज करके इजीली गाड़ी को निकाल सकते हैं। और अगर आप उसको ऑटोमेटिक गाड़ी देंगे तो होता है क्या, कई बार लैग होता है, अपने रोड की कंडीशन के हिसाब से तुरंत ऑटोमेटिक काम बढ़िया से नहीं कर पाता है, तो उसमें निराश रहते हैं। जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है उनको हमेशा अच्छा लगता है कि वो मैनुअल गाड़ी ही चलाना, ठीक है। बट उन लोगों के लिए जो गाड़ी अभी सीख रहे हैं, जिनको गाड़ी चलाना नहीं आता है, उनके लिए सबसे इजी होता है कि ऑटोमेटिक गाड़ी को लेके वो सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली चार ही मोड होता है, पी आर एंड डी। पी हो गया आपका पार्किंग मोड, आर हो गया रिवर्स मोड, एन से आपका न्यूट्रल हो गया, और डी हो गया ड्राइविंग मोड, ठीक है। यहां से जस्ट डी में डाल के ड्राइव कर सकते हैं, ये आपका रिवर्स हो गया, ये पार्किंग में लगाने के उस वक्त का, ये न्यूट्रल रहता है, ठीक है। ये बेसिकली चार ही मोड का आपको ध्यान रखना, एक बार कर लेंगे इजिली चला सकते हैं। इसमें और एक फायदा क्या होता है कि जब वो हैंडलिंग करते हैं तो दोनों स्टेयरिंग, बहुत सारे जो न्यू ड्राइवर होता है उनको एक हाथ छोड़ के चलाने का आदत नहीं होता है, वो दोनों हाथ से स्टेयरिंग कंट्रोल करते हैं, क्योंकि नहीं
तो उसमें आपको गियर लगाने का झंझट नहीं है, तो एक बार आप ड्राइविंग मोड में डाल दिए आराम से दोनों हाथ को हैंडल कर लिए। बट मैनुअल में क्या होता है कि आपको एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ना पड़ेगा और ज्यादातर आपको गियर को चेंज करते रहना होगा, तो एक हाथ से नया नया बिगिनर बहुत दिक्कत होता है। बट जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है उन लोगों के लिए मैनुअल गाड़ी सबसे बेस्ट है। तो फ्रेंड्स अब मैं सेकंड पॉइंट में आता हूं। सेकंड पॉइंट जो होगी हमारा कंट्रोल, कंट्रोल किसका बढ़िया है, तो अगेन जो कंट्रोल होता है वो मैनुअल गाड़ी का ज्यादा बढ़िया होता है। क्यों बढ़िया होता है, क्योंकि अगर आप सपोज पहाड़ में चला रहे हैं तो इजिली एक नंबर कम करके या दो नंबर में आप गाड़ी को चढ़ा दिए, बट वहां पे आपको ऑटोमेटिक गाड़ी निराश करेगी क्योंकि उसका स्पीड रेशियो तुरंत उस हिसाब से चेंज नहीं कर पाता है, गियर रेशियो को चेंज नहीं कर पाता जितना ज्यादा आप मैनुअल खुद से देख के अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। किसी को सपोज ओवरटेक करना होगा, देख रहा है कि आगे मुझे चढ़ाव है, तो गाड़ी जब तक सेंस करेगी तब तक आप गियर ऑलरेडी लगा के निकाल सकते थे, इजिली कंट्रोल कर सकते हैं आप मैनुअल गाड़ी। जो मैनुअल गियर वाली गाड़ी होती है मैनुअल ट्रांसमिशन, उसको आप इजिली कंट्रोल कर सकते हैं बहुत जल्दी। इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम टेकन वाला है, और इससे ज्यादा आपको इजी लगेगा ये गाड़ी को कंट्रोल करना, क्योंकि बहुत सारा आसान रहता है और ये हर लोग इजीली किसी को भी ओवरटेक भी कर सकते हैं मैनुअल गियर से, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तीसरा जो है स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल, तीसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो बिगिनर ड्राइवर होते हैं ठीक है, उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया जो कंट्रोल होगा वो ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी में, क्योंकि एक बार आप इसमें ड्राइविंग मोड में डाल लेंगे तो आप इजिली स्टीयरिंग को दोनों हाथ से व्हील को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं। बट मैनुअल गाड़ी में क्या होता है कि जैसे आप स्टीयरिंग व्हील को छोड़ेंगे तो ही आप गियर लगा सकते हैं, एक हाथ तो आपको छोड़ना पड़ेगा गियर लगाने के लिए, तो उस केस में आपको जो बिगिनर ड्राइवर है तो उनको दिक्कत होगा मैनुअल गाड़ी चलाने में, बट ऑटोमेटिक में बहुत इजिली आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं कि मेंटेनेंस कॉस्ट किसका ज्यादा है, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट किसका ज्यादा है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया जब आप मैनुअल ट्रांसमिशन वाले गाड़ी में लेंगे तो वहां पे गियर्स का अरेंजमेंट रहता है, ठीक है, तो ये मैनुअल आप उसको चेंज करें, बट ऑटोमेटिक में यहाँ पे बहुत सारे टॉर्क कन्वर्टर वगैरह यूज किया जाता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा होती है जो कि ऑटोमेटिक गाड़ी में लगती है, ठीक है, टॉर्क कन्वर्टर, तो इसका जो कंपोनेंट्स होते हैं पार्ट्स भी ज्यादा होते हैं, महंगे भी होती है, और इसमें जब इसको अरेंज किया जाता है तो इसका कॉस्ट बढ़ जाता है, तो आपको इसका सही समय टाइम पे आपको इसको सर्विस कराते रहना होगा, इसका पार्ट्स अगर कुछ खराब हो गया तो चेंज करते रहना होगा। तो ये गाड़ी जो मैनुअल गियर वाली होती है इसमें एक नॉर्मल रहता है, इसमें फिक्स रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खुद से चेंज करें, बट इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगने के बाद ही ऑटोमेटिक बनती है, तो इसमें आपको सही टाइम पे आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, इसमें पार्ट्स ज्यादा लग जाता है, तो इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है अगेन ऑटोमेटिक का हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू मैनुअल। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में मैं आता हूं फ्यूल एफिशिएंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि गाड़ी लेने के बाद जो फ्यूल किसमें ज्यादा मुझे बचत होगा, माइलेज किसमें ज्यादा मिलेगा, फ्यूल एफिशिएंसी माइलेज। देखिए अभी तक का सारा क्लेम किया हो गया है कि मैनुअल गाड़ी में सबसे ज्यादा माइलेज निकल के आती है, ये जो फ्यूल एफिशिएंसी मैनुअल में आपको ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक में यहाँ पे आपको कम मिलेगी क्योंकि यहाँ पे आप तुरंत अपने ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से जो ड्राइवर होते हैं वो गियर को शिफ्ट करके बेहतर माइलेज निकाल लेते हैं, कहीं जहां पे आपको लगेगा कि एक नंबर में निकलेगा वहां पे एक नंबर में लगाए, जहां पे लगेगा दो नंबर से निकल जाएगा तो दो नंबर में ले गए, बट ऑटोमेटिक में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे माइलेज कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर, क्योंकि ये फास्ट है आपको दिख रहा है और ये जब तक वो गाड़ी की स्पीड को सेरेगा उस हिसाब से लगेगा तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसके कारण इसमें एवरेज थोड़ा आपको कम मिलता है। आपको मैनुअल अभी बहुत हद तक कंपनी टॉप कन्वर्टर को अपग्रेड किया, उसको बहुत हद तक लेवल हाई किया, तो फिर भी अभी तक इसके कंपैरिजन में आपको मैनुअल का अभी भी ज्यादा मिल रहा है, पहले तो और कम आती थी, अब उसको सुधार करके लगभग लगभग सेम करने की कोशिश किया, अभी भी सेम नहीं है, दो तीन का एवरेज का आपको हर गाड़ी में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको मैनुअल जो गाड़ी है उसका फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस किसका सबसे बढ़िया है, तो नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइविंग एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस में मैं यहाँ पे दो पॉइंट में डिवाइड करूंगा, एक सिटी और एक हिली एरिया। देखिए सिटी और हिली एरिया में दोनों में मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप सिटी में चलाएंगे, सपोज यहां पे देखिए पहला पॉइंट मैं लिखता हूं सिटी में, ठीक है, देखिए सिटी में क्या होता है कि ऑटोमेटिक गाड़ियां यहां पे चूंकि आपका यहां पे क्लच का यूज नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, यहां पे क्लच यूज होता है, यहां पे विदाउट क्लच ये ऑटोमेटिक है, जब तक क्लच नहीं दबाएंगे आप गियर को चेंज नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो आपको अगेन क्लच दबा के फिर गियर को चेंज करना, तो यहां सिटी में आपको होता है कि ट्रैफिक कंडीशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, तो वहां पे सिटी में आपको ये बहुत ज्यादा परेशान कर देगी, आपको थका देगी, बट वहीं पे ऑटोमेटिक गाड़ी सिटी के लिए सबसे एक नंबर माना जाता है, क्योंकि वहां पे अगेन ब्रेक लगाओ, गियर कम करो, फिर गियर बढ़ाओ, फिर क्लच दबाओ, तो ये जो
इतना शिफ्ट करना पड़ता है, इतना चेंज करना पड़ता है, तो वहां पे ऑटोमेटिक गाड़ी आपको बहुत इजी टू ड्राइव लगेगी, बहुत आराम मिलेगी सिटी में। बट वहीं पे मैं आपको हिली से एरिया में चले जाता हूँ, वहीं पे हिली एरिया में चले जाता हूँ, तो हिली एरिया देखिए क्या होता है, स्लोप रहता है, कहीं पे पहाड़ रहता है, कहीं पे आपको चढ़ना रहता है, कहीं पे डाउन रहता है, तो वहां पे क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग गियर्स को चेंज कर सकते हैं जल्दी फास्ट, कहीं भी उसी में अगर हिली एरिया में ओवरटेक करना भी पड़े तो आप अपने हिसाब से स्पीड मैनुअल में गियर चेंज करके आप वहां से निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको लैग दिखेगी, थोड़ी सी डिले दिखेगी, तो वहां पे आपको ये गाड़ी निराश करेगी। हाँ, इसके बहुत हायर वर्जन में जाएंगे, बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स होती है, डुअल क्लच सिस्टम हो गया, टीसी हो गया, IMT हो गया, बहुत सारे इसके ऑटोमेटिक में बहुत सारे वेरिएंट होगा। अगर आपको उसके बारे में जानना होगा मुझे कमेंट करें, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आती है, बहुत तरह का आता है ऑटोमेटिक, ये मैं जस्ट आपको समझने के लिए जस्ट मैनुअल ऑटोमेटिक करते हैं, बट ऑटोमेटिक में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के आते हैं, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो वहां पे अगर आप इसका हाई लेवल का ऑटोमेटिक गाड़ी लेंगे तो शायद आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्क नहीं दिखने को मिलेगा, बट वहां मैनुअल से थोड़ा बहुत आपको डीलर जरूर मिलेगी। तो वहां पे आपको हिली एरिया में मैनुअल गाड़ी सबसे ज्यादा इजी ड्राइव मिलेगी। तो ये ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैं आपको दोनों कंडीशन में आपको बता दिया हूं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, गाड़ी आप ले लिए, ठीक है, बट कौन से गाड़ी से आप इजिली लर्न कर सकते हैं, कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप गाड़ी इनिशियल सीखना चाह रहे हैं, आपको गाड़ी नहीं चलाना थी बट आप सोच रहे कि मैं गाड़ी लूं उसको चलाने भी सीख जाऊं, और इजिली कौन से गाड़ी में, देखिए मैनुअल गाड़ी में आपको टाइम लगेगा क्योंकि क्लच फिर ब्रेक गियर, तो इसमें जो आपका तालमेल होता है क्लच वगैरह का, इसमें बहुत ज्यादा लोग फंसते हैं, हमेशा एक नंबर लगा के जो गियर छोड़ते हैं, क्लच छोड़ते हैं सॉरी, तो उसमें गाड़ी झटका लेके बंद हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वो आपको मैनुअल गाड़ी में होगा इजिली, इसमें आपको इजिली सीख नहीं सकते इस गाड़ी से। बट यहाँ वहीं पे जस्ट अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो पहले तो आपको गियर लगाना नहीं, एक बार लगा दी, दोनों हाथ से आपको स्टीयरिंग पकड़ना है, और इसमें कोई क्लच नहीं, जितना आप एक्सेलेरेटर देंगे उतना गाड़ी जाएगा, एक्सेलेरेटर नहीं देंगे गाड़ी रुक जाएगा, एक्सेलेरेटर और ब्रेक यही दो पैडल होता है, बट इसमें एक्सेलेरेटर ब्रेक और क्लच ये तीनों को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है इनिशियल के लिए, तो उस केस में आपको आप ऑटोमेटिक गाड़ी जल्दी सीख सकते हैं। बट वहीं पे दो पहलू है फ्रेंड्स, देखिए अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी से सीख रहे हैं या सीख चुके हैं तो आप कभी फ्यूचर में मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकते, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मैनुअल गाड़ी कैसे चलेगी क्योंकि आपने सीखा ही है ऑटोमेटिक गाड़ी से। बट अगर आप मैनुअल गाड़ी से सीखते हैं, आपको एक्सेलेरेटर ब्रेक क्लच सारा कुछ पता चल गया, तो आप फ्यूचर में इजिली शिफ्ट कर सकते हैं, आप जस्ट आज से चलाना चाहेंगे तो आप ऑटोमेटिक गाड़ी को इजिली चला सकते हैं क्योंकि आपको मैनुअल गाड़ी चलाना आता है। बट अगर वहीं पे अगर ऑटोमेटिक गाड़ी से आप चलाना सीखेंगे तो आप मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकते, वहां पे आपको प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप चलाना सीख रहे हैं बेहतर है तो आप मैनुअल गाड़ी से सीखें तो आप ऑटोमेटिक में भी चला सकते हैं, बट अगर आप ऑटोमेटिक से सीखेंगे तो आप गाड़ी तो चलाना बहुत इजीली तरीके से सीख जाएंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे, बट आप मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइसिंग का, क्योंकि गाड़ी तो आपको लेना है, अब कौन सी गाड़ी में कितना ज्यादा प्राइस आएगा, तो हमेशा ऑटोमेटिक जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें पार्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा लगी हुई रहती है, इसमें सिस्टम कुछ अलग रहता है, बहुत ज्यादा सिस्टम वगैरह लगा रहता है, तो इसका प्राइस हमेशा हाई रहेगा। आप देखे होंगे 170,000-180,000 1,00,000 रुपया सेम मॉडल का प्राइस इसका ज्यादा रहेगा, इसका प्राइस लेस रहेगा 1,00,000 या फिर 60,000-70,000, आपको एकदम डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं अगर आप मैनुअल गाड़ी चला सकते हैं या फिर चला रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया है कि आप ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मैं लास्ट में इसका कंक्लूजन जरूर बताऊंगा कि किन लोगों के लिए कौन सी गाड़ी बेहतर हो सकती है, किन लोगों के लिए मैनुअल अच्छी हो सकती है, किन लोगों के लिए ऑटोमेटिक। जो फाइनल जो कंक्लूजन आ रहा है, देखिए आपको कब मैनुअल लेना है और कब ऑटोमेटिक लेना है। सपोज आपका वर्क, आपको गाड़ी लेना है और सिर्फ सिटी में ही चलना है, ज्यादातर आपको ऑफिस यूज करना है, सिटी में जाना आना है, तो उस केस में आपको ट्रैफिक ज्यादा रहता है, तो उस केस में आपको ऑटोमेटिक में शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि ऑटोमेटिक में इजी टू ड्राइव है, बहुत आराम है, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सिटी के लिए। बट अगर आप चाहते हैं कि हम फैमिली के लिए लें, ऐसा लें कि कहीं पे भी आज कहीं पे दूर जाए, कहीं पे ट्रिप जाए और मेरा बजट भी कम हो, मेंटेनेंस कम हो, खर्च कम हो गाड़ी, तो वहां पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन, अगर आप खुद चलाना चाहते हैं ठीक है, तो वहां पे आप मैनुअल ट्रांसमिशन में जा सकते हैं। बट ऐसा भी लोग होते हैं कि कोई अपने सिस्टर के लिए या कोई डॉटर के लिए या फिर कोई अपने वाइफ के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए जब कोई लेडीज वगैरह चलाने जाते हैं तो उसमें आपको मैनुअल गियर में थोड़ा सा उसको टाइम लगता है सीखने में, बट ऑटोमेटिक वो जल्दी सीख जाते हैं, तो आप उसके लिए आप हमेशा प्रीफर करें कि ऑटोमेटिक वाली गाड़ियां दें ताकि उनको आराम हो सीखने के लिए और उसको ज्यादा टेंशन नहीं हो, इजी टू ड्राइव है, आराम से जल्दी सीख भी जाएगा, उसको कमांड करना भी आसान होगा, स्टीयरिंग व्हील को भी कमांड करना आसान होगा। तो अगर आप सिस्टर या डॉटर या फिर
वाइफ के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिक गियर में जा सकते हैं। ये गाड़ी उनको बहुत आराम होगा चलाने में भी और इजी टू लर्निंग के लिए भी, बहुत पर्पस के लिए भी आसान होगा, तो उस केस में आप ऑटोमेटिक ले सकते हैं। मैंने आपको हर एक तरह से बता दिया, अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा ट्रांसमिशन का गियर पसंद है, मैनुअल या ऑटोमेटिक। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया हो, फिर भी कोई कंफ्यूजन है मुझे सिंपल कमेंट करें, मैं वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।